गुड इवनिंग, वेलकम टू बीट द वॉलिटिलिटी चैनल। अब मंडे की एनालिसिस अपन करते हैं। फ्राइडे को भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ। अगर आप देखोगे मंडे से लेके फ्राइडे का, तो मंडे को गैप डाउन हुआ, ट्यूसडे को गैप अप, वेडनेसडे को गैप डाउन, थर्सडे को आपका फ्लैट खुला था गैप डाउन होके, और फिर फ्राइडे को गैप अप। तो अब मंडे का आप सिनेरियो अपने जज कीजिए। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है, तो हो सकता है फ्लैट ही खुले मंडे के लिए। एनालिसिस के लिए आपको ये बता सकता हूँ मैं कि मंडे को जब भी 24,400 के ऊपर निकलने लग जाए मार्केट, तब आप बुलिश ट्रेड लीजिएगा। और अभी नीचे में गैप बचा है, जो गैप अप किया था उसका गैप बचा है, तो 24,300 के नीचे निकलने लग जाए तब आप इसमें शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी एकदम सिनेरियो क्लियर है, मार्केट इंटर हो चुका है जो गैप बनाया था। आप एक बार देख सकते हो वनडे में मार्केट ने जो गैप बनाया था उस गैप पे इंटर हो चुका है। अब सबसे ज़्यादा स्ट्रगल लगने वाला है मार्केट को उसको ऊपर पूरा फिल करने में। इसके लिए उसको रिलायंस, SDFC सब का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए उसको एक स्पीड एज देने के लिए। तो मंडे को अगर मार्केट 24,400 के ऊपर निकलने लग जाए और 24,300 के नीचे निकलने लग जाए, तो आप अपना बुलिश और बेरिश ट्रेड को डिसाइड कर लीजिए। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखते हो, तो बैंक निफ्टी भी एक ऊपर तो गया है, लेकिन अभी ये गैप इंटर नहीं किया। ये जब अपना गैप इंटर कर जाएगा, तब देखना होगा कि आपको HDFC, ICICI, एक्सिस और SBI ये सब कैसे पैन आउट करते हैं। अभी आज एक ट्वीट भी आया है हिंडनबर्ग का कि वो कुछ बड़ा न्यूज़ लाने वाले हैं इंडियन मार्केट के ऊपर। अब वो हो सकता है स्टॉक के ऊपर हो, पूरा मार्केट के ऊपर हो। अब उसका सेंटीमेंट सिंपल है, जैसे पहले अदानी में आया था। तो आपको क्या करना है कि स्टॉक को अवॉइड करना है अगर सच्ची में उसमें प्रॉब्लम है, और आपको नीचे में अगर उस स्टॉक में बाइंग मिलती है तो आप उसको बाइंग करके चल सकते हो। ठीक है, तो अगर अपन बैंक निफ्टी को की बात करें, इसका लेवल आपके लिए सामने सिंपल हो गया। अभी 50,700 के ऊपर और 50,400 के नीचे दो लेवल हो गए बेयरिश और बुलिश के लिए। ऑप्शन चेन अगर अपन देखते हैं, तो निफ्टी में मैक्स पेन आपका 24,350 दिखा रहा है और PCR 0.81 है। सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग होके रखी है, या स्ट्रैडल राइटिंग होके रखी है 24,400 पे, और कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा 25,000 और पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा 24,000 पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो PCR 0.88 है, मैक्स पेन 50,500, स्ट्रैडल राइटिंग 50,500 पे है, कॉल राइटिंग 51,000 और पुट राइटिंग 50,000 पे है। तो आप ये चीज़ डिसाइड कर लो कि कैसे मार्केट पैन आउट होता है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी सेम डे पे है, तो कॉशियस रहिएगा। शॉर्ट कवरिंग हो सकती है मार्केट में, जो भी गैप है उस दिन फिल हो सकता है। जब भी अपन इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो रिलायंस को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी आप रिलायंस को देखोगे तो 29,100 के पास से अच्छा खासा वो घूमा है, 20 और 40 मूविंग एवरेज से नीचे है, गैप इसमें भी है। तो अगर रिलायंस 29,160 के ऊपर निकलने लग जाए, तब आप वो गैप फिल कर सकता है। उसी हिसाब से HDFC की बात करें तो HDFC में भी एक अच्छा खासा पहले का गैप है, जो वो फिल करेगा जब वो 1680 को क्रॉस करेगा। ठीक है, ICICI और SBI और एक्सिस बैंक पहले से बेयरिश चल रहा है, अभी वो अपना थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ आपको एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है 1160 के ऊपर ही आने वाला है, हो सकता है वो 1200 तक जाए। और SBI का ऑल टाइम हाई 900 है, अभी इसमें भी एक अच्छा खासा गैप है। ये 830 के ऊपर गैप इंटर करेगा और 850 तक जा सकता है। दो स्टॉक्स जो आपको मंडे के लिए देखने चाहिए,
पहला है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक हो सकता है आप प्ले करो 190 के लिए, सॉरी एनबीसीसी आप प्ले कर सकते हो 185 के ऊपर, 190-195 के लिए। कैनरा बैंक 110 पे है, 110 के ऊपर निकलने लग जाए तब आप इसको प्ले कर सकते हो 115-117 के लिए। ठीक है, ये दो स्टॉक आप एक बार अच्छी खासे देख सकते हो कि ये दोनों उस दिन बुलिश होते हैं कि नहीं। जब भी अपन मार्केट में कोई भी स्टॉक को एनालाइज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कैनरा बैंक को ही एनालाइज़ कर रहे हैं, जब मंडे को ये खुलेगा तो आपको ये देखना है कि ये जो प्रीवियस डे का हाई है उसको निकाल पाता है कि नहीं, मतलब 112 के ऊपर जाता है कि नहीं। जैसे ही 112 के ऊपर जाएगा तब आप इसको पिक करके इस पर ट्रेड कर सकते हो। वैसे ही NBCC आप 5 मिनट में इसको भी देख लो, बहुत अच्छा खासा अगर आप देखोगे तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है इसमें। अगर ये सच्ची में ही ऊपर ब्रेक कर देता है तो आप इसमें देखोगे कि एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आएगा 7 रुपये तक का, जो कि इसको ड्रैग करके ले जाएगा 194 तक। ठीक है, अब जब ये यहाँ से ब्रेक किया है एम पैटर्न बना के, अब ये वापस जब ऊपर जाता है तो आप देखोगे डबल बॉटम बन रहा है। तो डबल बॉटम का जो रेंज निकल के आएगा यहाँ से यहाँ तक का, वो इसको खुद खींच के ले जाएगा 115 तक, 113-114-15 तक। तो 5 पॉइंट ये भी चल सकता है। तो इस तरीके से अपन एनालाइज करते हैं कोई भी स्टॉक को, तो चाहे HDFC भी हो, HDFC को भी अगर आप 5 मिनट में देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि अच्छा खासा लास्ट में डिप आई है। तो अगर आप यहाँ से इसको ड्रॉ करते हो ये 1660 के ऊपर ही इसमें बुलिश मोमेंटम आएगा, जो आपको दिख भी रहा होगा। उसी तरीके से रिलायंस अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम पे चल रहा है, यहाँ कहीं एक हर्डल लिया है तो 2951 के ऊपर जब निकलने लग जाए तब आप इस पर ट्रेड लीजिए, अच्छा खासा पॉइंट्स आपको देगा। अब आप हमें कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, दो स्टॉक जो हम देते हैं अपने सेगमेंट में वो कैसा परफॉर्म करता है, एक बार आप उसको ट्रेड करके देखिए। जो भी वीडियोस बनाते हैं हम एजुकेशनल पर्पस है, हम लोग SEBI रजिस्टर्ड नहीं है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू।